अभिनेत्री आलिया भट्ट भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। आलिया ने इंस्टाग्राम के जरिए खुद के पॉजिटिव होने की जानकारी दी। उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है और डॉक्टर की बताई हर बात का खास ख्याल रख रहे हैं। संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर के बॉलीवुड डेब्यू की खबरें बीते कई दिन से आ रही थी। वो करण जौहर की नई टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी के जरिए एक्टिंग में डेब्यू करेंगी। शनाया की पहली फिल्म की अनाउंसमेंट जुलाई में होगी। इसी बीच शनाया ने फैंस के साथ शेयर किया अपना हिडन टैलेंट। शनाया ने शेयर किया बेली डांस भी। अमिताभ बच्चन ने कोरोना वायरस का पहला टीका लगवा लिया है। 78 साल के अभिनेता ने गुरुवार देर रात सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, ये हो गया मेरा कोविड वैक्सीनेशन आज दोपहर, सब बढ़िया है। अभिषेक को छोड़कर पूरे परिवार ने कोरोना वैक्सीन का पहला डोज ले लिया है। साउथ इंडियन एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी ने मशहूर सिंगर मीका सिंह के साथ एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें कैप्शन में उन्होंने शादी की बात की है। पोस्ट को पढ़कर फैंस हैरान हैं। सभी आकांक्षा और मीका को बधाइयां दे रहे हैं। मीका को टैग करते हुए आकांक्षा ने एक हार्ट का इमोजी भी बनाया। हाल ही में प्रियंका चोपड़ा ने येलो ड्रेस पहने एक खूबसूरत फोटो शेयर करते हुए बसंत का स्वागत किया था। इस फोटो के साथ प्रियंका ने कैप्शन में लिखा था, इन दिनों सूरज की किरणें कुछ अलग ही असर दिखा रही हैं। प्रियंका की इस येलो स्लीवलेस ड्रेस की कीमत $6,085 यानी $4,46,346 रुपए है। SS राजामौली के निर्देशन में बन रही RRR के लिए अजय देवगन का फर्स्ट लुक सामने आया है। डायरेक्टर ने सोशल मीडिया पर फिल्म का मोशन पोस्टर शेयर करते हुए अजय देवगन को जन्मदिन की बधाई दी और लिखा, लोड एम शूट। शाहरुख खान के मीर फाउंडेशन ने एक वर्चुअल मीट का आयोजन किया। इसमें उन्होंने एसिड अटैक सर्वाइवर्स के साथ बातचीत की। इस दौरान किंग खान ने एक एसिड अटैक सर्वाइवर से उनके हेल्थ अपडेट के बारे में जानकारी ली और प्रेग्नेंट महिलाओं से बच्चों के नाम रखने का वादा भी किया।